हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले अभियांत्रिकी दिवस की ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंजीनियर्स डे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का दिन हमारा दिन है, जैसे बोलते हैं ना, सबका एक दिन आता है, तो आज का दिन हमारा दिन है, आया नहीं आ चुका है। ठीक है, तो आज के दिन एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मुझे मैसेज किया और मैंने कहा यार आज का दिन तो बहुत अच्छा है। उसने बोला सर फैमिली लाइफ पर एक वीडियो बनाइए, जो कि पर्सनल टॉपिक है, सिविल इंजीनियर की फैमिली लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, इसके ऊपर उसने वीडियो बनाने के लिए बोला। और मुझे टॉपिक अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबके सामने अपने विचार शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है किसी को इससे खेद पहुंचे तो भाई सॉरी, कोशिश मेरी यह है कि किसी को खेद ना पहुंचे, लेकिन जो एक्चुअल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पर्सनल टॉपिक से। पहली बार ऐसा टॉपिक इस चैनल पर मैं बना रहा हूँ गाइस। एक सिविल इंजीनियर को अगर ध्यान से देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग को पहले देखना पड़ेगा। एक सिविल इंजीनियर को ध्यान से देखोगे तो पहले सिविल इंजीनियर को देखना पड़ेगा कितना बड़ा है। इंफ्रा में है, बिल्डिंग्स में है, इंफ्रा में भी कई ढेर सारे इंफ्रा में, रोड में है, मतलब हाईवे में है, रेलवे में है और डैम में है, ठीक है, रिजर्वायर वगैरह में है, इसके बाद बिल्डिंग्स में है, इतने ढेर सारे, ट्रांसपोर्टेशन में है, इन्वायरमेंट में है। मीन्स सिविल इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड है। ठीक है, अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आज का दिन तो बहुत स्पेशल है, पहले उनको याद कर लिया जाए, भारत रत्न डॉक्टर विश्वेश्वरैया सर का, ठीक है, आज के दिन उनका जन्मदिन है। ठीक है, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, उनका तो मतलब एक दिन में पढ़ रहा था, किसी दिन उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत बहुत बड़े, मतलब हम लोग तो मतलब चींटी है उनके सामने। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं पहले कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्री है और कैसे हम अपने फैमिली लाइफ को बेटर बना सकते हैं। गाइस, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, अभी पास आउट हो रहे होंगे या फिर पास आउट हो चुके होंगे, कुछ लोग जॉब में भी होंगे। अब उनके साथ एक समस्या आती है कि आप सब देखते होंगे कि एक साल दो साल जॉब, मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद एक साल दो साल तीन साल पांच साल सात साल, इसके बाद तो घर वाले प्रेशर करके आपको सिंगल से डबल करवाने के लिए पूरे कोशिश कर ही लेते हो और सफल भी हो जाते हो। अब आप पहले साल से, जब से जॉब आपकी स्टार्ट हुई, कुछ लोग की पहले साल से दूसरे साल से, जैसे ही आप सेटल हो जाते हो, जितना जल्दी आप सेटल होगे उतना जल्दी आपका विकेट गिर जाएगा, अगर आसान भाषा में बोलूं तो क्या होता है कि आप डबल हो जाते हो। अब डबल के लिए बड़ी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी से सफर हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे अगर या फिर किसी को भी एक डबल होना है, ठीक है, डबल होने के लिए मैक्सिमम आपको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, डेफिनेटली फैमिली अगर आपके साथ आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ऐड हो जाती है। अब हम सब जब कॉलेज से निकलते हैं, चाहे मैं अपनी कहानी बताऊं या आपकी, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है साइट इंजीनियरिंग है केवल एक सिविल इंजीनियरिंग है। क्या लगता है, साइट इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। ठीक है, लेकिन बाद में जब हमको पता चला कि इतने ढेर सारे डोमेन है, कहाँ कहाँ काम करके हम अपने कैरियर को बेटर बना सकते हैं, तो उसमें से कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस में आए, ठीक है, मेरे पहलू में जो आए कह सकता हूँ, उनमें से मैंने चूज किया और मैंने पता किया कि भाई कौन कौन से बेटर जॉब हो सकते हैं फॉर फ्यूचर लाइफ। तो मैं साइट इंजीनियरिंग से तो डायरेक्ट नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि फैमिली लाइफ में साइट इंजीनियरिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप सबको अगर बताऊं तो आसान भाषा में, कोई भी ऑफेंडेड मत होना, इसे अनऑफिशियल जॉब बोल सकते हैं। मतलब कभी 8 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे आ रहे हैं, कभी 2 बजे रात को भी आ रहे हैं, कभी दूसरे दिन आ रहे हैं, फिर सुबह पहुंच जा रहे हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे अनऑफिशियल जॉब। दूसरी चीज, अगर इसको फ्यूचर के टर्म से देखा जाए, तो कहीं पर भी साइट का जो काम होगा मैक्सिमम आउट ऑफ द सिटी होता है, सिटी के अंदर जगह ही नहीं है, तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन कुछ जगहों पे होगा, बट मैक्सिमम क्या होगा, आउट ऑफ सिटी होगा। अब जब आउट ऑफ सिटी होगा तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर फैमिली लाइफ को सर्वाइव करना है, बच्चों का एजुकेशन है, फैमिली के ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ के लिए सोचना, ठीक है, बच्चों का एजुकेशन है, या फिर कहीं पर भी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, तो अब आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आता है। वैसे तो साथ में रहना ही पॉसिबल नहीं होता, बट अगर किया तो कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी आप समझ सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इस चीज में और दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग राय दे देते हैं कि भाई एक दो साल तीन साल साइट पर जाओ, उसके बाद मूव ऑन कर लेना। हमारे कुछ दोस्त हैं जो मान भी लेते हैं उनकी बात, चलो मान लिया तो गलती क्या हो जाती है, मान लिया तो जब साइट से जब दूसरे डोमेन में जब जाते हो तो पहला कुछ नहीं पूछते हो, व्हाई यू वांट टू लेफ्ट योर जॉब फ्रॉम साइट इंजीनियरिंग, और वो आप जब उनको रीजन देते हो कि ये प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब आप स्टार्ट किए हो तो अब उसी में कंटिन्यू करो। प्लस प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि अपने डोमेन में ऐसा है कि
आपका एक्सपीरियंस तो इसमें है तो आपको सैलरी इसके हिसाब से मिल रही है। अब आप मान लो कि साइट पर आप 3 साल जॉब किए तो मैक्स पॉसिबिलिटी 30,000 आपकी सैलरी हो गई। अब 30,000 हो गए, फिर आप डिजाइनिंग में आप किसी दूसरे डोमेन में आते तो बोलता है हम 12,000 से स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि आपका इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब 30,000 वाला आदमी 12,000 में सर्वाइव कैसे करे लाइफ को, बड़ी समस्या आती है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने किया हुआ है, मेरे कई ढेर सारे स्टूडेंट सफर हो रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। चलिए तो अब कैसे बचा जाए इस मुसीबत से, तो मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम में अगर साइट का जो थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, यूट्यूब पे भरमार कंटेंट है, ठीक है। आप घर बैठे लैपिंग देख सकते हो, आपके अगल बगल कंस्ट्रक्शन होता रहता है, घूमते फिरते लैपिंग देख सकते हो, L/4 क्या होता है, L/3 क्या होता है, क्रैंक लेंथ क्या होता है, यही तो देखना है। फुटिंग कैसे वर्क होता है, फुटिंग के लिए बहुत ढेर सारे अगल बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, एक बार देख लो फुटिंग, एक ही मेथड हर जगह पर लगभग अप्लाई होता है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल लाइफ का बहुत बड़ा है, क्योंकि स्पैन नहीं आपका 50 साल का है, 25 साल पढ़ने में चला गया, बचा है 25 साल। अब इस 25 साल में अगर 3 साल हमने बर्बाद बर्बाद नहीं बोलना चाहिए, बट 3 साल अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया कहीं एक ऐसी जगह पे कि फिर से हमें रिटर्न आके स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 22 साल बचते हैं दोस्तों। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें न जाके अपना करियर थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि सभी तो ऐसे ही जा रहे हैं, आप थोड़ा सा मूव करके ऐसे जाइए, करो सिर्फ में। ऐसे जाके कहाँ जा सकते हैं, आप डिजाइन के लिए जा सकते हो। डिजाइन में दो डिजाइन है, कई लोग सोचेंगे डिजाइन में तो जाना चाहता हूँ बट मेरा स्ट्रक्चर मजबूत होता ना। डिजाइन में दो पार्ट है गाइस, कौन कौन से दो पार्ट है, एक है आर्किटेक्चर डिजाइन और एक है स्ट्रक्चर डिजाइन। अब आर्किटेक्चर डिजाइन में आपके लिए फायदा हो सकता है, ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के एक दो सॉफ्टवेयर 3 सॉफ्टवेयर सीख लो, आपकी एक पैटर्न बैठ गया कि अब आप आर्किटेक्चर में बेस्ट हो चुके हो, आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही स्ट्रक्चर में भी एक फिक्स पैटर्न है कि भाई स्ट्रक्चर में जाना है तो ये सॉफ्टवेयर सीख लो, आपके लिए सफिशियंट है। ये दो लाइन है, ठीक है, मैं दो लाइन पर फोकस नहीं करूंगा, तीसरी लाइन भी आपको बताऊंगा, डिटेलर की प्रोफाइल है, ठीक है। पहला मैंने आर्किटेक्चर की बताया, किसी प्रोफाइल के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्या बोलते हैं, अलग अलग मैं सिर्फ लाइन बता रहा हूँ, आपको जिसके बारे में डिटेल चाहिए नीचे कमेंट कर देना, ठीक है जी। तो गाइस अब ये चार इंडस्ट्री तो फिक्स हो गए, अब ये चार के बाद आगे क्या, और कोई इंडस्ट्री है क्या? बिल्कुल है, अभी खत्म नहीं हुआ सिविल इंजीनियरिंग। आप दूसरा किसमें जा सकते हो, मिक्स्ड डिजाइन। आज के टाइम में बहुत ढेर सारी केमिकल इन बॉन्डिंग की एक्सेलरेटर रिटार्डर बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि आपके मिक्स डिजाइन को इनहेंस करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करती हैं। तो पांचवा जो ऑप्शन हो सकता है आप उसमें जा सकते हो, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। लेकिन चौथा पांचवा इंडस्ट्री वो हो सकता है। छठवा इंडस्ट्री आपका हो सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आज के टाइम में बहुत ढेर सारी ऐसी कंपनियां जो इन्वायरमेंट पे काम कर रही है, क्योंकि बीम अभी जैसे बूम हो रहा है वैसे ही इन्वायरमेंट के लिए आपको इको फ्रेंडली अपना पूरा का पूरा सोसाइटी कंप्लीट करके देना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना है, उसके रिलेटेड भी बहुत ढेर सारी रिसर्चेस हैं जिनको आप करके उसमें भी कैरियर बना सकते हो। ये जो 5-6 इंडस्ट्री है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस, तो ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत है यार, सिविल इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा है, बट मुझे मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यूजफुल मतलब मेरे टर्म में कि डिजाइनिंग में, क्योंकि ये डेफिनेटली लेस प्रोजेक्ट है, लेस प्रोजेक्ट में ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल साइट ही बचता है। बट ये 5-6 जो है एकदम क्रीम डोमेन है, इसमें सब कुछ ऑफिशियल जॉब है आपका, जिसमें से 4 डोमेन का मुझे लगभग कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। मैं पूरा नहीं बोलूंगा कि पूरा किसी को नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं इनको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आर्किटेक्चर डिजाइन है, इसमें आप आराम से केवल ऑटोकैड सीखिए, रेविट सीख लीजिए, टाइम बचे तो 3ds Max सीख लीजिए, ये तीन इंडस्ट्री कर, ये तीन सॉफ्टवेयर कर लिया ना, आर्किटेक्चर में जॉब आपकी 100% लग जानी है। फुल डिटेल इसका चाहिए तो कमेंट करना, आर्किटेक्चर डिजाइन तो उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आप स्ट्रक्चर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऑटोकैड, ईटैब और स्टैट और सेफ, ये 4 सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे स्ट्रक्चर की इंडस्ट्री के लिए। अगर मैं बात करूं कि आपको जो मतलब कि इसमें इन्वेस्ट करना, क्वांटिटी सर्वे में, क्वांटिटी में करना है तो क्वांटिटी में बहुत अच्छे से आप ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, जिसके थ्रू प्लस एक्सेल का नॉलेज है तो और अच्छा है, ठीक है। अगर इसको आप और ऑटोकैड इसको अगर आपने सीख लिया, क्वांटिटी टेकऑफ में भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं गाइस। इसके अलावा है डिटेलर की जॉब है, डिटेलर में आप ऑटोकैड 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 मस्ट है, ठीक है। ऑटोकैड ऑटोकैड के बाद टेक्ला, टेक्ला नहीं सीखे हो तो स्ट्रक्चर,
ठीक है, अगर इनको इन में से तीन सॉफ्टवेयर सीख लिए तो आप डिटेलर की प्रोफाइल के लिए 100% परफेक्ट हो चुके हो। इन चारों इंडस्ट्रीज में मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ कॉन्ट्रेक्टर भी काम करता हूँ प्लस एज अ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हम लोग वर्क करते हैं, इसलिए हमने चारों को सीख रखा है। बस चारों को सीखने में लगभग 6 साल लगे हैं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप चारों सीख के तब जॉब स्टार्ट करो, एक सीख के इंडस्ट्री में एंट्री कर जाओ, कल को अगर आपको अपना खुद का कुछ करना रहेगा तो इन चारों को एक एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। उसे क्या होगा कि आपको पता रहेगा मेरी कंपनी काम कैसे करेगी, फुल नॉलेज हो जाएगा। पांचवी या छठवीं जो इंडस्ट्री है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको डेफिनेटली मिक्स डिजाइन के बारे में भी बताऊंगा और कैसे इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी मुझे थोड़े बहुत अध्ययन लगेंगे क्योंकि हम उस पर ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए उसके बारे में कम हमें पता रहेगा। तो ये थे जो दोस्तों की अगर इन पांचों छह इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि आप एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि ये सभी ऑफिशियल 9 to 6 वाली जॉब है, ठीक है, आप गए और टाइम से आप घर पे आ सकते हो और अपने लाइफ को आगे अच्छा कर सकते हो। तो जब इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी हैं, तो फिर क्यों हम एक जॉब जो बताते हैं लोग उसी में क्यों हम बार बार जाएं, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है पर्सनली कि आपको अगर चूज करना है तो इन्हीं चार में कर लीजिए, इसके अलावा बहुत जाना है तो सर्वे तक में जाइए, वहां पर भी मैं कम ही सजेस्ट करूंगा। इन्हीं चारों में अगर आप अपना करियर बना लेते हो तो ये डेफिनेटली, केवल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्डिंग के अलावा दूसरे भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें भी आप सेम चारों को अगर लेके जाते हैं तो आपका कैरियर ब्राइट रहेगा, फैमिली लाइफ आपकी आगे की अच्छी रहेगी, और डेफिनेटली अगर अच्छी रहेगी तो फिर आप हैप्पी रहोगे, हैप्पी रहोगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया आज हैप्पी इंजीनियर्स डे के मौके पर, मतलब इंजीनियर्स डे है आज तो कुछ स्पेशल था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, कुछ लोग बहुत परेशान होंगे, उनको गाइडेंस मिल जाएगा इसके माध्यम से। तो इसमें से आपको किसी के बारे में भी फुल नॉलेज चाहिए कि सर मुझे इसी में करियर बनाना है, केवल इसका सेपरेट एक वीडियो दे दो, कमेंट करो, अगर जैसे आज करते हो तो कल या परसों में ही आपको वीडियो प्रस्तुत हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन जय हिंद जय भारत, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, शेयर करोगे तो क्या होगा, दूसरों का भला होगा, दूसरों का भला होगा तो ऊपर वाला आपका भला कर देगा। चलिए, थैंक यू सो मच।